वेलकम टू ट्राई वैसा दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी से नई भर्ती के लिए मांगा गया अध्याचन और यूपी ट्रिपल सी AGTI को गार्डन में धरना प्रदर्शन के बारे में। UPSC में दो अतिरिक्त अवसर की मांग की गई है, तो आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं यूपी ट्रिपल सी ने नई भर्ती के लिए अध्याचन मांगा गया है, तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और इसमें जो है सभी मतलब सभी से अध्याचन मांगा गया है। यहाँ पे विषय में आप देख सकते हैं मंडलायुक्त कार्यालयों तथा कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के सीधी भर्ती के चयन वर्ष 2017-18 से 2021-22 30 जून 2022 तक रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध कराए जाने से के संबंध में, तो ये अध्याचन मांगा गया है। इसी से संबंधित ये न्यूज है और इसकी दिनांक आप देख सकते हैं 6/6/2022 की दिनांक पड़ी हुई है। तो इससे तय हो जाता है कि आने मतलब अभी इसकी कनिष्ठ सहायक की आप लोगों की भर्ती जो है आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगी UPSC से। इसीलिए आप लोग जो टाइपिंग भी करते रहें, साथ साथ इसकी तैयारी के साथ मतलब इसका रिटर्न के साथ साथ टाइपिंग की भी तैयारी करें, जो लोग इसके इच्छुक कैंडिडेट हैं जो भी इसमें अप्लाई करना चाहेंगे इस जॉब के लिए। तो ये तो मतलब तय हो गया है कि कनिष्ठ सहायक की भी आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। UPPCS में दो अतिरिक्त अवसर की मांग की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में खबर निकल गया है, आई है IAS की तरह PCS में भी चाहिए दो अतिरिक्त अफसर। पूर्व IPS अफसर ने किया छात्रों का समर्थन, CM को लिखा पत्र। तो CM को पत्र लिखा गया है इससे संबंधित, और लगातार बदलावों से प्रभावित हुई परीक्षा की तैयारी, छात्रों को लगा झटका। तो ये सब पहले भी न्यूज आती रही है, लेकिन सरकार दूसरा अवसर देना नहीं चाहती है, दो अतिरिक्त अवसर नहीं देना चाहती है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल बर्बाद हुए थे छात्रों को, ना तैयारी हो पाई ठीक से, ना पेपर वगैरह सब कुछ प्रभावित रहे थे। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं IPS अफसर अमिताभ ठाकुर ने जो है मांग सरकार को लेटर लिखा है, लेकिन फिर भी कोई असर होने वाला नहीं है। फिलहाल आगे इसमें जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा चैनल के माध्यम से। अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो ये है UPSC AGTA के संबंधित। तो इसमें कल आप लोग जानते हैं छात्रों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था पिकअप भवन में UPSC में। तो छात्रों की मुलाकात हुई थी सचिव जी से, और जो कुछ वार्ता हुई उसके बारे में वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ। आप लोग चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि कल क्या क्या हुआ। तो छात्र जो हैं अब आज इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, और जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं तो वो 10 बजे सुबह 10 बजे या उससे थोड़ा लेट भी हो जाएं तो भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इको गार्डन पहुंच सकते हैं और अपना समर्थन दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप है UPSC AGTA के सुपरवाइजर नाम से, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग पूरी न्यूज़ अपडेट मिलती रहेगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और इको गार्डन में देख सकते हैं ये संबंधित जानकारी भी यहाँ पे प्राप्त हो रही है। इको गार्डन में छात्र पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग भी अपना समर्थन देने जरूर से ज़रूर पहुँचिए, और आप लोग अपना समर्थन देंगे जितना ज़्यादा संख्या में आप लोग उपस्थित होंगे उतनी जल्दी आप लोगों की बात सुनी जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।